राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बच्चों को पिलाई गई दो बूंद जिंदगी की। 27 फरवरी से 2 मार्च तक पिलाई जाएगी पोलियो दवा। कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति के चुनाव हुए संपन्न, 4 पदों के लिए 922 सदस्यों ने किया मतदान। और स्वर्गीय सुश्री लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने आयोजित हुआ कार्यक्रम, प्रख्यात संगीत कलाकारों ने दी सुरमई प्रस्तुतियां। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन, और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 27 फरवरी से 2 मार्च तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। इसी क्रम में आज जिला चिकित्सालय परिसर में कैंप लगाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। कैंप का शुभारंभ कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा किया गया। सत्ताईस तारीख हर प्रतिवर्ष पोलियो कैंप लगता है, तो आज सुबह कलेक्टर सर आए थे, उनने इसका शुभारंभ किया है। अभी तक 75 बच्चों को पोलियो की दवा पिला दी गई है। हमारा टारगेट 160 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का है आज, और ये 8 बजे से 5 बजे तक ये कैंप खुला रहेगा। कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष 2021-22 के अवसर पर भाजपा का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आनंदम टाउनशिप रेसिडेंसी सोनपुर रोड छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर उन्हें उपचार व दवाइयां प्रदान की। इस अवसर पर छिंदवाड़ा नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला, अल्केश लांबा, दिनेश कांत मालवीय, वामन राव सावले, डॉक्टर दशरत साहू, डॉक्टर कृष्ण हरजानी सहित अन्य कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। और हमारे बीच में भारती दीदी है। आज आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित हमारे डॉक्टर हरजानी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष द्वय भाई अंकुर शुक्ला जी, रोहित पोपली जी, डॉक्टर दुबे जी एवं समस्त डॉक्टर साथीगण यहाँ पर उपस्थित, टीकाकरण की टीम से हमारी दीदियाँ पोलियो अभियान को लेकर के उपस्थित यहाँ पर नर्सगण और उपस्थित मेरे युवा साथियों, लगभग एक हफ्ते पहले श्रद्धा जैन जी भैया ये ऑफिस आई, बोले भैया बूस्टर डोज का एक कैंप लगवाना है। तो मैंने कहा बूस्टर डोज के लिए कितने हमारे बुजुर्ग होंगे, तो लगभग इन्होंने बताया कि 30-40 लोग होंगे। तो वैसे हम बूस्टर डोज के लिए अकेले कैंप नहीं लगाएंगे, हम और भी बहुत सारी सुविधाएँ इसमें देने का प्रयास करेंगे। और उसी सोच को लेकर के और हम सभी लोग श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं, तो उनकी जन शताब्दी वर्ष में भी हमारे यहाँ कार्यक्रम लगातार चल रहे थे। तो उसका मैंने हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि एक अच्छा स्वास्थ्य शिविर जिसमें मोतियाबिंद के भी ऑपरेशन का इलाज हो एवं अन्य बीमारियाँ होम्योपैथिक भी हो, उसको लेकर के यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसके पहले भी हमने अटल जी की जयंती के अवसर पर एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था, लगभग उसमें 8,500 मरीजों का निःशुल्क हमने उसमें इलाज किया। और आज कुमारी प्रसिद्धि और कुमारी दिशा को पिलाई जा रही है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेवा दे रहे आरोग्य हॉस्पिटल उत्तरकृष्ट मल्टी हॉस्पिटल की भी इसमें गरिमा में उपस्थिति रहे, ऐसी मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं। जय श्री कृष्ण। उपस्थित बंडी भाई साहब आए, उन्होंने अपना समय दिया, इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने करवाया। आरोग्य हॉस्पिटल चंदवाड़ा में आयुष्मान योजना के अंतर्गत
इधर आ जाइए। आनंदम टाउनशिप समिति की ओर से, युवाओं की ओर से अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूसा भाव ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार इस तरीके के स्वास्थ्य शिविर आयोजन किए जा रहे हैं कि पूसा भाव ठाकरे जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे मध्य प्रदेश के लिए अपनी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के समर्पित कर दिया, और उनकी सोच थी कि हर किसी को सारी सुविधाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले, शासन की योजनाओं का लाभ मिले। आज जिले की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एवं नगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह वार्ड क्रमांक 25 में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे वार्ड क्रमांक 23 एवं वार्ड क्रमांक 24 के नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। और यहाँ पर निःशुल्क मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन, बीपी, शुगर एवं अन्य दूसरी चीज़ें जो है इसके निःशुल्क जाँच हो रही है, साथ ही साथ दवाइयों का निःशुल्क वितरण हो रहा है। हम पूसा भाव ठाकरे जी को यह समर्पित करते हैं स्वास्थ्य शिविर, जिससे लोगों की मदद मिल सके, लोगों को लाभ हो सके, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। आज हमारी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार लगातार यही प्रयास कर रही है कि लोगों तक कैसे शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे, लोगों को राहत मिले, और उसी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वास्थ्य शिविर के आयोजन किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ द्वारा यहाँ पर होम्योपैथी का भी डॉक्टर अरजानी जी के नेतृत्व में होम्योपैथी का भी उपचार यहाँ पर हो रहा है, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस शिविर का लाभ लें। परासिया रोड स्थित बुद्ध विहार में आज डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए पदाधिकारियों के चयन हेतु चुनाव संपन्न हुए। चुनाव समिति में कुल 922 सदस्य हैं, जिनके द्वारा प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंबेडकर। आज डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति छिंदवाड़ा बुद्ध विहार का निर्वाचन हो रहा है। इस निर्वाचन में 922 सदस्य हैं, जिसमें 75 सदस्य आजीवन सदस्य हैं। यहाँ 2 बूथ बनाए गए हैं, बूथ क्रमांक 1 और बूथ क्रमांक 2। बूथ क्रमांक 1 में 426 मतदाता है और बाकी शेष मतदाता बूथ क्रमांक 2 में है। सुबह 9 बजे से मतदान प्रारंभ किया गया है, 3 बजे तक का समय है। 3 बजे के बाद भी यदि आते हैं तो उनको चीट दे करके उनको अंतिम समय तक मतदान करवाया जाएगा। आज ही मतदान होने के बाद मतगणना की जाएगी और उसका रिजल्ट निकलेगा। मतदान 4 पदों के लिए हो रहा है, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष। कुल 10 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और इन 10 उम्मीदवार के बीच में यह मतदान प्रक्रिया चल रही है, जो समता बौद्ध विहार के लिए आगामी जो सत्र होगा 2 वर्ष के लिए, ये उनके लिए। यहाँ केवल जो सदस्य बनते हैं, वार्षिक सदस्य वो या आजीवन सदस्य ही मतदान कर सकते हैं। 26 फरवरी की शाम लता दीदी फैंस क्लब के द्वारा स्थानीय दशहरा मैदान में स्वरों की अमिट इतिहास की हस्ताक्षर सुश्री लता मंगेशकर को समर्पित श्रद्धांजलि कार्यक्रम एक शाम लता दीदी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आमंत्रित स्टार कलाकारों में बाल कलाकार स्टार प्लस फेम सौम्या शर्मा, इंडियन आइडल फेम देवोजीत चक्रवर्ती एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका तृप्ति निगम के साथ जिले की प्रतिभा शेफाली शाह व मोहित ने सुरमई प्रस्तुतियों से हिंदी सिनेमा की प्रख्यात गीतों से सुरों की शाम जगाई। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के साथ ही अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य जनप्रतिनिधियों के अलावा संगीत प्रेमी नागरिकों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और श्रोताओं के प्रति लता दीदी फैंस क्लब के सचिन गुप्ता, अतुल गजभिये, अखिलेश राजपूत, मुकेश तिवारी, अफाक हुसैन, मनीष तिवारी सहित अन्य सदस्यों ने आभार व्यक्त किया। से स्वागत करें और लता दीदी फैंस क्लब हमारे जिले के कप्तान एसपी साहब श्री विवेक अग्रवाल जी से, सचिन गुप्ता जी से निवेदन है कि वे कृपया, निवेदन करता है कि हमारे छिंदवाड़ा जिले को
अपने जिद्दी फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए सफल प्रयास करें। आज पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने जिले के समस्त थानों के थाना प्रभारियों की क्राइम समीक्षा बैठक ली और थानों के अंतर्गत लंबित प्रकरणों व विवेचना आदि के संबंध में समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में जिले के समस्त थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। ये एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए इस तरह की तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए परंतु हम समय समय पर उसमें लापरवाही कर बैठते हैं। प्रत्येक केस डायरी की पेजिंग होनी चाहिए, हर पेज में एक पृष्ठ क्रमांक डालना चाहिए। ये सब जितने अच्छे प्रैक्टिसेस आप शुरू कर पाएंगे उतना ही अच्छा अभियोजन पक्ष मजबूत होता जाएगा। इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हम जो कमियां जो त्रुटियां थोड़ा बहुत होती हैं उसके बावजूद अच्छी पहल भी अच्छे विवेचना से सजाएं हो जाती हैं तो उन सब चीजों में और समर्थन मिल जाए उसके लिए जरूरी है कि ये छोटी छोटी बातें भी हम ध्यान रखें। तो चिन्हित अपराधों को लेकर अभी जो चर्चा हुई है उसमें मुख्य रूप से मार्च महीने में कुछ अपराधों में सजा होने की संभावना व्यक्त की गई है, इससे सभी को
ध्यान देना है कि जो जो मामले थाने के अभी अभी पेशियों में लगे हुए हैं कृपया गंभीरता पूर्वक उसमें पेशी दिनांक के पूर्व ही आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करें। जो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग वाली बातें अभी सामने आई हैं, जो नई चीजें हम सीख रहे हैं अथवा जो पुरानी चीजें भूल गए हैं उनको भी रिवाइव करना बहुत जरूरी है। हमारा अध्ययन होता रहे, कुछ कुछ हम पढ़ते रहे लगातार, ये भी बहुत जरूरी है। पता चलेगा कि किन कारणों से दोष मुक्ति हुई है और वो गलतियां हम दोबारा नहीं करेंगे यदि हमने अच्छे से पढ़ लिया तो। तो अपने प्रयासों से जो एक्विटल वाले जजमेंट्स हैं उनका जजमेंट प्राप्त करके उनको पढ़िए जरूर, विशेष रूप से जो सेशन ट्रायल मामले हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन चूंकि अधिकांश मामले लोअर कोर्ट के होते हैं तो उनके भी यदि आप इक्विटल वाले निर्णयों को पढ़ने के लिए एएसआईज को, सब इंस्पेक्टर्स को, हवलदारों को देंगे तो वो जरूर मामले चार मामलों के इक्विटल के जजमेंट आपने प्राप्त कर लिए, खुद पढ़ लिया, चार बातें अंडरलाइन कर ली, ये बताने लायक बातें हैं इसमें और एक छोटी सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर ली, ये कर सकते हैं। या जब यहाँ जिले में ट्रेनिंग हो तो आप वो चीजें हमसे चर्चा करके पूरे जिले भर के लिए हमें ट्रेनिंग आयोजित कर सकते हैं। तो चिन्हित मामलों को लेकर ये महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इसके पहले सबको मैथ में महान क्रांतिकारी देशभक्त अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर आज कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई और उनके द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए दिए गए योगदान को याद करते हुए नमन किया गया। चंद्रशेखर आजाद जी अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्रांतिकारी संगठन के माध्यम से जैसा कि आप सभी लोगों जानते हैं कि आज चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि है, उसी उपलक्ष्य में मैं माननीय सभी पदाधिकारियों के सामने मैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी हमारे क्रांतिकारी वीरों में से एक थे और इस देश को आज़ाद कराने के लिए जैसा कि सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिए है उसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद का इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा। आज कांग्रेस सेवा दल के द्वारा शहीद स्मारक पर देश के महान शहीद और स्वतंत्रता सेनानी जिन पर पूरे देश को गर्व है, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी का आज दिवस है, उसकी आज पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। और बड़ा ही गौरव का विषय है कि ऐसे ऐसे वीर हिंदुस्तान में हुआ जिनको याद कर हमें अपने आप में गौरव महसूस होता है। आज कांग्रेस सेवा दल ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर उन्हें नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा बजट सत्र में लिए गए पुरानी पेंशन बहाली के निर्णय को ऐतिहासिक एवं कर्मचारियों को बुढ़ापा संवारने वाला फैसला बताते हुए आज बापू की प्रतिमा के समक्ष मिठाई बांटकर खुशियां मनाई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा, द्वारपाल मालवीय, नरसिंह साहू, यशवंत ठाकरे, ब्रजेश उइके, विपिन उइके, नितेंद्र चंदेल, आशुतोष फसाटे, राकेश सांवले, कैलाश राउत, रोमी यादव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। हिंदुस्तान भारत का मजबूत चार अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कर्मचारियों की पेंशन बहाल करने वाली राजस्थान सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमल नाथ जिंदाबाद, कमल नाथ जिंदाबाद, कमल नाथ जिंदाबाद, कमल जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करने वाली गहलोत सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे लिए बड़े प्रसन्नता की बात है कि देश देश में हमारी राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बड़ा सबको झकझोर देने वाला निर्णय लिया था कि पेंशन बंद की जाए कर्मचारियों की, अधिकारियों की। उस फैसले से पूरे देश के कर्मचारी बहुत दुखी थे कि रिटायरमेंट के बाद हमारा जीवन यापन कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा। तो कई बार राज्य सरकारों ने मांग की, कर्मचारियों ने राज्य सरकार से मांग की, केंद्र सरकार से मांग करी। पिछले एजेंडे में हमारे नेता कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की थी, वचन दिया था कि हम हमारी सरकार बनेगी तो हम मध्य प्रदेश से पेंशन लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया था, यदि आज हमारी सरकार मध्य प्रदेश में होती तो जो जो निर्णय आज राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार ने लिए हैं,
वो हमारी सरकार में निर्णय लेती। मैं गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आपने पूरे देश में एक ऐसा अनूठा काम किया है जिसमें पूरे देश में संदेश गया कि कांग्रेस के लोग काम करना चाहते हैं। गहलोत जी को धन्यवाद और बधाई देते हुए कहना चाहता हूँ कि आपने कर्मचारियों के हित में एक ऐसा निर्णय लेकर उन रिटायर्ड कर्मचारियों को आपने किसी राहत दी है जो अपने परिवार को चलाने में बहुत अपने आप को सहूलियत महसूस करेंगे। गहलोत सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। मैं वाजपेयी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूँ कि आज आपने मिठाई बांट कर, आज आपने सब खुशियाँ मनाकर गहलोत सरकार को बधाई दी। पूरे हिंदुस्तान में 5 करोड़ कर्मचारी ऐसे थे जिनके पेंशन से वंचित थे। 2004 में अटल जी ने जाते जाते एक कानून बनाया और कर्मचारियों से पेंशन की सुविधा छीन ली थी। पूरे देश भर में मध्य प्रदेश सहित इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। राजस्थान की गहलोत सरकार ने अपने बजट सत्र में ये ऐतिहासिक फैसला किया है कि जो 2004 से पेंशन बंद थी उसको उन्होंने बहाल कर दिया है और उसके बाद पूरे देश के अंदर एक कर्मचारियों में उम्मीद जागी है और उन्हें भरोसा हुआ है कि कांग्रेस सरकार जिसने पहले पेंशन शुरू की थी जिसको अटल जी ने बंद किया, अब कांग्रेस सरकार ही इस पेंशन को बहाल कर सकती है। मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने कर्मचारी आयोग का गठन किया था। कर्मचारी आयोग उस पेंशन का, वेतन विसंगतियों का, आउटसोर्स और ठेका प्रथा को बंद करने की सिफारिशें करने वाला था। हम लोग आज ये मिष्ठान वितरण करके गहलोत सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और शिवराज सरकार से मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, आउटसोर्स, ठेका, अस्थायी संविदा, दैनिक वेतनभोगी जैसी कर्मचारियों का शोषण करने वाली जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को बंद कर 2003 से पहले जो भर्ती नीतियाँ थी उसको लागू किया जाए। कामगार कर्मचारी कांग्रेस इसको लेकर आने वाले दिनों में एक बड़े अभियान की शुरुआत करने वाली है। 4 अप्रैल को हम इसको लेकर हड़ताल भी कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में पूरे मध्य प्रदेश का आउटसोर्स कर्मचारी इकट्ठा होने वाला। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में जारी सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भी 2 रोमांचक मैच खेले गए जिनमें पहला मुकाबला MS कॉर्पोरेट क्लब व यस स्पोर्टिंग के बीच सम्पन्न हुआ। इस मैच में MS कॉर्पोरेट क्लब ने यस स्पोर्टिंग को 18 रनों से हराया। वहीं दूसरे मैच में टाइम प्लास्टिक बड़कोई ने बालाजी क्लब को 6 विकेट से पराजित किया। तीन मौजूद और बढ़िया क्षेत्ररक्षण। नए बल्लेबाज 13.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अच्छा स्ट्रोक कवर पॉइंट की तरफ। टीम में फील्डर मौजूद। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे परीक्षित के लॉन्ग ऑन पर कृष्णा सोनी फिर विकेट पर बल्लिंग कर रहे हैं। कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर पहला मैच खेला गया जो कि यस क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा और MS कॉर्पोरेट के बीच खेला गया जिसमें MS कॉर्पोरेट ने विजयश्री हासिल की। दूसरा मैच यहां पर बालाजी क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा और टाइम प्लास्टिक बड़ोगी के मध्य खेला जा रहा है जिसमें बालाजी क्रिकेट क्लब पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को, विजेता टीम को 1,11,111 रुपये का पुरस्कार और उपविजेता टीम को 55,555 का पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी। साथ ही जो बेस्ट प्लेयर रहेगा टूर्नामेंट का, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, उसको एक पल्सर बाइक और सभी क्षेत्र में बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट ऑलराउंडर को साइकिल यहां कमेटी की ओर से दी जाएगी। ये छिंदवाड़ा जिले की और पूरा हमारे जबलपुर संभाग की एक सबसे बड़ी प्रतियोगिता है जिसमें इनामी राशि के साथ साथ 32 टीमें यहां पर भाग ले रही हैं और इस प्रतियोगिता में के माध्यम से माननीय नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी इस प्रतियोगिता के फाइनल मैच में 13 मार्च को यहां पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, वो भी यहां पर आएंगे। आप देखना कि इस प्रतियोगिता से हमारे जिले के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट देखकर मतलब ऐसा लग रहा है कि बैटिंग करने का मन, बैटिंग करने से रुका ही नहीं जा रहा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर खेलकर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।
सोनपुर मोक्षधाम में स्थापित करने हेतु शहर के मूर्तिकार दिनेश बेनीपेंटर द्वारा भगवान भोलेनाथ की आकर्षक प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इस मूर्ति को तैयार करने में मूर्तिकार को 2 माह का समय लगा है, जो कि सीमेंट, कंक्रीट एवं लोहे से बनाई गई है। ये मूर्ति किस उपलक्ष्य में कहाँ बिठाने के लिए बनाए और कितने दिन में बनाए आपने? ये मूर्ति को बनाए हुए है ना 2 महीने की लगभग लगा है बनाने में है। और ये मूर्ति बन रही है सोनपुर मल्टी के आगे एक ने मोक्ष धाम है वहाँ लगेंगी। यहाँ मोक्ष धाम की ही बनी है। कौन कौन सी धातु से मिला के बनाई हुई? नहीं, ये पेवर कंक्रीट की है, लोहा है, सीमेंट है, गिट्टी है, रेता है, उससे बनी है। कितने दिन लगे इसको बनाने में? इसको 2 महीना लग गया बनाने में। आपका नाम बताओ? मेरा नाम है दिनेश बेनीपेंटर। प्रतिमाह के अंतिम रविवार पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा वीर शहीदों को याद करते हुए झंडा वंदन का कार्यक्रम किया जाता है। इसी क्रम में आज सेवा दल कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद स्मारक पर झंडा वंदन किया गया। आज शहीद स्मारक पर कांग्रेस सेवा दल के हमारे नगर के प्रमुख दिनेश कुमार डहरिया जी के माध्यम से झंडा वंदन का आयोजन किया जाएगा। बड़े हर्ष का विषय है कि कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय एवं प्रदेश की परंपरा अनुसार प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को कांग्रेस सेवा दल द्वारा पूरे देश में झंडा वंदन आयोजित किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन महान सपूतों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दिया है, उन शहीदों और उन हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में कांग्रेस सेवा दल के द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम रविवार में को ये झंडा वंदन पूरे देश भर में किया जाता है। और आज इसी परंपरा में आज फरवरी माह के अंतिम रविवार को ये झंडा वंदन कांग्रेस सेवा दल छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद छिंदवाड़ा द्वारा आज पेंशनर्स भवन में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के साहित्यकार एवं काव्य प्रेमियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। दो बाहर के तो दूरचित अंतर का एक दिया जलाओ तो सही, कथाएं अधूरी की दूर होगी जलाओ तो सही। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत विलंब के बाद हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। एक गणितज्ञ में दुनिया की दौड़ में कौन से नंबर पर आना चाहोगे? मैंने कहा गुणा भाग में कमजोर हूँ। मैंने कहा गुणा भाग में कमजोर हूँ, मगर किसी का समय गिर भी नहीं रखती। अच्छा दिख जाऊं तो लकड़ी से डराते हैं, तभी आंसू बहाते हुए मगरमच्छ बोला, पानी में रहकर मुझसे बह करने में लोग डर रहे हैं, पर क्या करूं, पानी के अकाल में हम ही मर रहे हैं। इस तरह समस्याओं का जब बारी बारी से और सभी जानवरों ने शिकायती प्रतिवेदन धरा, तो जंगल के राजा ने भी अपना शिकायती आवेदन स्वयं भरा। तुम सभी को अपनी अपनी पड़ी है, राजा होकर मेरी जान पर आ पड़ी है। मैं रामलाल सराठे रश्मि, सचिव मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद छिंदवाड़ा। हमारा परिषद का उद्देश्य है नए उदीयमान हस्ताक्षरों को, नए साहित्यकारों को मंच प्रदान करना, उनकी प्रतिभा को निखारना। इसी क्रम में हम मासिक गोष्ठी करते हैं। यह जनवरी माह की हमारी फरवरी माह की गोष्ठी है। जनवरी माह की गोष्ठी कोरोना के कारण हमको स्थगित करनी पड़ी थी, फरवरी माह की गोष्ठी है, इसके बाद मार्च माह की होगी। आज हमारे बीच में प्रोफेसर कलमधार जो कि पांडुरना से यहाँ आए हुए हैं,
डॉक्टर अमर सिंह, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और बड़े खुशी की बात है कि हमारी एक शाखा और चौरई में खुल रही है, जिसके साहू जी यहाँ आए हुए हैं, उसकी घोषणा उन्होंने यहाँ किए हैं। इस प्रकार से हम धीरे धीरे पूरे ज़िले में अपना जो है अपनी साहित्यिक संस्थाओं का गठन कर रहे हैं। वैसे इसका गठन बहुत जगह था, परंतु बीच में जो कोरोना में हमारे बहुत सारे साहित्यकार साथ छोड़ गए, तो इस करके हमें थोड़ा सा इसे पुनः चलाने में तकलीफ हुई। फिर भी हमने इसको गति दी है और यथाशीघ्र हमारी एक आंचलिका नामक जो पत्रिका है, काव्य संग्रह है, वह प्रकाशित हो रहा है और उसे हम शायद अगले महीने में उसका विमोचन कराएंगे। इस प्रकार से हम नए साहित्यकारों को मंच प्रदान कर रहे हैं। कदम संस्था द्वारा आज स्थानीय होमगार्ड परिसर में 250वां पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा पर्यावरण पर आधारित चित्रों का प्रदर्शन किया गया, जिन्हें संस्था द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से CCF छिंदवाड़ा SDM अतुल सिंह एवं होमगार्ड कमांडेंट उल्लेखनीय रूप से उपस्थित रहे। साथ ही छिंदवाड़ा की प्रमुख समाजसेवी संस्थाओं एवं कदम संस्था के सभी सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। सभी जगहों पे एक ही वक्त में यह पौधा लगाया जाता है, इसे कदम समय के नाम से सभी कदम सदस्य संबोधित करते हैं। मैं थोड़ा सा हमारे कदम छिंदवाड़ा के बारे में जानकारी आपको देना चाहती हूँ। कदम संस्था का पहला पौधा हमने लगाया था PWD गेस्ट हाउस में। 21 मई सन 2017 को हमारी यह यात्रा शुरू हुई थी। वहाँ हमारा पहला पौधा चंपा का लगाया गया था, जो कि अब आप सभी के साथ सहयोग शुभकामनाओं से एक बड़ा वृक्ष बन चुका है। और वहाँ से शुरू हुई यह एक कदम यात्रा आज यहाँ तक पहुँची है 250वें पौधे तक के। इस यात्रा में जुड़े हुए हम सभी, हमारे साथ जो भी हमारे सहयोगी हैं, मित्र हैं, शुभेच्छु हैं, हम उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और कदम संस्था 3 मुख्य कार्यक्रम आयोजित करती है, मैं उसकी एक बहुत ही संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। प्रति हफ्ते सिर्फ एक पौधा लगाए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उस पौधे की पूरी तरह से देखभाल की जा सके। बहुत सारे पौधे लगाए जाएँ और उनकी यदि पूरी तरह से देखभाल ना हो, तो इससे बेहतर यह लगता है कि हम एक पौधा लगाएं हर हफ्ते, लेकिन उसे जीवित रखा जाए, इसकी पूरी तरह से आश्वस्त हम सभी हो जाएं और उसकी पूरी केयर की जा सके। इसलिए हम लोग हर हफ्ते सिर्फ एक पौधा लगाते हैं कम से कम। हमारा दूसरा कार्यक्रम है बीजारोपण का। यह हमारी नई जनरेशन को प्रेरित करने से संबंधित है। छिंदवाड़ा के पर्यावरण को और बेहतर बनाते रहेंगे, शासकीय आयोजनों के साथ, शासकीय प्रयासों के साथ समाज को इस कार्यक्रम में, इस प्रयास में और पर्यावरण संरक्षण में जोड़ने का सतत प्रयास करते रहेंगे। आपके ऐसे आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी माता मंदिर श्री चौरागढ़ पंच कमेटी के सदस्यों ने आज महादेव की कठिन यात्रा करते हुए भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल समर्पित किया। समिति के द्वारा निरंतर कई वर्षों से महादेव बाबा को त्रिशूल अर्पित करने की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। इस वर्ष समर्पित किए गए त्रिशूल को चौरागढ़ पंच कमेटी द्वारा बैजनाथ धाम में स्थापित किया जाएगा। हर हर महादेव। Oh!
महाशिवरात्रि पर्व के पूर्व आज चार फाटक स्थित श्री संतोषी माता मंदिर से भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पातालेश्वर धाम पहुंची। बारात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित रहे। नागा साधुओं की पावन तपोभूमि श्री पातालेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर्व पर शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा 20वां विशाल फलाहारी भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। स्थल पर भंडारा कार्यक्रम हेतु व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। समिति सदस्यों ने सभी से महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की है। साथ ही सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष समिति द्वारा स्थल पर 10 फीट ऊंचे हिम शिवलिंग के दर्शन कराए जाएंगे। शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा गौरवशाली परंपरा का निर्वाह करते हुए विगत 20 वर्षों से श्री पातालेश्वर धाम में नागा साधुओं की पावन तपोभूमि में शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा विशाल फलाहारी भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी मंडल के द्वारा 20वां विशाल फलाहारी भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियाँ चरम पर चल रही है और अन्य तरह तरह के फलाहारी व्यंजन भी यहाँ से हम सुबह प्रातः 5 बजे से महाशिवरात्रि के दिन सुबह 5 बजे से यहाँ पर वितरण करेंगे। साथ ही 10 फीट ऊंचे बाबा अमरनाथ बर्फानी के शिवलिंग का भी यहाँ दर्शनार्थियों को दर्शन होंगे और हम नगर की सभी धर्मप्रेमी बंधुओं माताओं बहनों से आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। हमारा यह कार्यक्रम पूर्णतः जन सहयोग से ही प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आने वाले वर्ष में हम बहुत बड़ा आयोजन 21वां वर्ष जो हमारा 21वां वर्ष रहेगा उसमें करेंगे, जिसमें हम तरह तरह के एक से बढ़कर एक फलाहारी व्यंजन का यहाँ पर वितरण करेंगे। प्रति शनिवार की तरह इस सप्ताह भी श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा किए जाने वाले संगीतमय सुंदरकांड महापाठ का आयोजन ग्राम खैरवाड़ा की इंदिरा आवास कॉलोनी में किया गया, जिसमें ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामवासियों ने सुंदरकांड का पाठ किया। छिंदवाड़ा के द्वारा ग्राम खैरवाड़ा में संगीत पर सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। केवल समस्त ग्रामवासियों को आगामी रामनवमी 10 अप्रैल शाम 4 बजे विशाल भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। जय श्री राम। श्री सुंदरकांड छिंदवाड़ा। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियाँ।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बच्चों को पिलाई गई दो बूंद जिंदगी की। 27 फरवरी से 2 मार्च तक पिलाई जाएगी पोलियो दवा। कुशाभाव ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित हुआ निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति के चुनाव हुए संपन्न, 4 पदों के लिए 922 सदस्यों ने किया मतदान। और स्वर्गीय सुश्री लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने आयोजित हुआ कार्यक्रम, प्रख्यात संगीत कलाकारों ने दी सुरमई प्रस्तुतियां। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।